गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आज दिखाऊंगी अपना बगान टमाटर का, जिसमें टमाटर ही टमाटर, टमाटर ही टमाटर। और रही बात, तो इतने फल इसमें लगे हुए हैं ना कि मैं खुद देख के हैरान हूँ। अभी तो इसमें कच्चे कच्चे दिख रहे हैं, पूरे कच्चे हैं, क्योंकि पके को हमने निकाल लिया है, मार्केट ले जाना है ना। तो बाकी फला इतना है ना कि पेड़ का तो पता ही नहीं, फल ही फल दिख रहा है। ज़मीन पे पूरा पौधा ही लेट गया है। फर्स्ट टाइम इतना घना और बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिखा रही मैं आपको जूम कर करके भी, बहुत सुंदर है। पके को मैं निकाल ली हूँ, कच्चे ही हैं, कितने प्यारे चमक रहे हैं। और देखिए, पूरा बागान में टमाटर ही टमाटर है। पूरा टमाटर है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और साइज़ भी बढ़िया है, क्योंकि कोई टमाटर होता है घर वाला जो छोटा छोटा होता है, ये वाला टमाटर का साइज़ भी बहुत अच्छा है, और फिर अच्छा भी है। बहुत सारे लदे हुए हैं फल, देखिए पूरा फल फल ही फल। मेरे को तो पैर रखने के लिए भी नहीं बन रहा था जब वीडियो बना रही थी। बहुत सुंदर फल है। किनके किनके यहाँ टमाटर है बताइएगा। मेरे यहाँ तो है बरबट्टी, देखिए तोड़ के रखी हुई हूँ एक टब, अभी और निकाल रहे हैं। पक्का निकल गया है ना, पहले मैं वीडियो बनाई नहीं, पक्का भी दिख रहा था, लेकिन जितना कच्चा है ना उससे कम तो पका हुआ था, कच्चा बहुत है। अभी 2-4 दिन में सब भी पक जाएगा, सोची वीडियो बना लूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा फला हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। अच्छा लग रहा है, मैं पूरा बगान दिखा देती हूँ एक बार दूर से, देखिए किसको किसको अच्छा लगा बताइएगा कमेंट करके। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, वाओ। इधर हल्का हल्का है, कहीं कहीं का मर गया है ना, कोई कहीं सही, इसीलिए बाकी पूरा बाड़ी हरा भरा प्यारा प्यारा। आओ, बहुत अच्छा है। और आगे चलते हैं, देखिए पकने के बाद और प्यारा लगेगा। आप सबको कैसा लगा बताइएगा मेरा वीडियो। इधर बरबट्टी है जो कि सूख रहा है, लेकिन फिर भी है, कुछ कुछ खाने के लिए निकल जाता है। और करेला भी है, सूख गया है, लेकिन वो खा चुके हो तो हम लोग कब का।